नमस्कार, आज हम बनाएंगे मीठी सेवई। सेवइयाँ खास तौर से लोग सावन में बनाते हैं, लेकिन वैसे तो आप कभी भी, जब आपका जी चाहे, जब कभी मीठा खाने का मन करे तो सेवइयाँ आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पे पैन रखा है और इसमें एक टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है, गाय का शुद्ध देसी घी है। और इसमें अब हम डालेंगे नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स। तो पहले हम गैस पैन को, चारों तरफ पैन के अंदर घी को फैला लेंगे और फ्लेम जो है हम गैस की लो टू मीडियम रखेंगे। और अब इसमें मैंने 10-15 काजू और 10-15 बादाम के दो दो टुकड़े किए हैं, वो हम इसमें डालेंगे। रोस्ट करेंगे इसको हल्का गुलाबी होने तक। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं सेवई के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, सेवइयों के टेस्ट को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्रंच जो आता है सेवइयाँ खाते समय तो बहुत मज़ा आता है। तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये वर्मासिली सेवइयाँ मैंने ली हैं, जो मोटी वाली सेवइयाँ होती हैं ना, वो जिसकी हम नमकीन सेवइयाँ भी बनाकर खाते हैं, वही सेवइयाँ हैं। आज हम मीठी बना रहे हैं। तो 2-3 मिनट हमने ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं। खाना खाने के बाद जब भी कभी आपका मन करे तो मीठा खाने का, तो 10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है सेवइयाँ बनाने में। तो आप सेवइयाँ भी बना सकते हो, कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप सेवइयाँ बना सकते हो, बच्चों को बना के खिला सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और झटपट तैयार हो जाती हैं। तो बातों ही बातों में हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब फिर से वही पैन हमने यूज़ किया है, इसके अंदर अब हम एक टेबलस्पून फिर से देसी घी डालेंगे और पैन हमारा गर्म ही है। तो देखिए कितनी जल्दी से मेल्ट हो गया है घी। अब इसके अंदर मैंने एक कप, जो मेजरिंग कप है उससे मैंने एक कप लिया है सेवइयों का। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये सेवइयाँ अब हमारी भुन चुकी हैं और ब्राउन कलर आ गया है सेवइयों का, बहुत अच्छा कलर आया है गोल्डन। और हल्के हल्के हाथों से हमने चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। तो अब हमारी सेवइयाँ भी रोस्ट हो चुकी हैं और इसको भी हम एक बोल में निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। तो देख ही रहे हो आप कि कितनी जल्दी हमारी सेवइयाँ रोस्ट हो गई हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो अब हमारी सेवइयाँ रोस्ट हो गई हैं, तो मैंने एक प्लेट में निकाल ली हैं और अब उसी पैन में हम पानी डालेंगे 2 कप। एक कप सेवइयाँ हैं तो 2 कप मैंने पानी डाला है और 1/2 कप मैंने चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो 2 चम्मच और ऊपर से डाल सकते हो, लेकिन 1/2 कप चीनी बहुत सफिशिएंट है, ना बहुत मीठा है ना फीका ही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कितना मीठा खाते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हमारे चीनी मेल्ट हो गई है पानी के अंदर, पानी गर्म हो चुका है। अब हमारी ये चाशनी तैयार हो रही है। तो ये चाशनी ऐसा नहीं है कि एक तार हो, 2 तार हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ चीनी मेल्ट होने तक ही और पानी में उबाल आना चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें। तो आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से पानी गर्म हो गया, चीनी भी मेल्ट हो गई। तो अब हमने जो रोस्ट करके रखी थी ना सेवइयाँ,
वो सारी हमने इसके अंदर डाल दी हैं और अच्छे से फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम अब हम थोड़ी तेज कर देंगे, फुल फ्लेम करेंगे अब हम। और साथ ही देखो कितने अच्छे से बॉईल होने लगी हैं। और इसके अंदर मैंने एक टेबलस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है और साथ ही रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर ही, ताकि हमारी जो रोस्ट की हुई सेवैयाँ हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं तो मैंने ढक्कन हटा दिया है और फिर से मिक्स करेंगे। काफ़ी हद तक हमारी सेवैयाँ पक चुकी हैं तो अब हम इसको खुला ही रखेंगे पानी सूखने तक और साथ ही हल्के हल्के चलाते जाएंगे साथ ही सेवैयों को। बहुत ही अच्छा कलर, गोल्डन कलर आ गया है हमारी सेवैयों का और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो जब आप सेवैयाँ रोस्ट करते हो उस समय भी आप ड्राई फ्रूट साथ के साथ ही रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो पहले रोस्ट किए हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसका क्रंच ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हमारा सेवैयों का सारा पानी सूख चुका है, सेवैयाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं एक सीक्रेट डाल रही हूँ, वो ये कि मिल्क पाउडर है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है। इससे क्या होगा कि सेवैयों का टेस्ट ऐसा आएगा कि इसके अंदर हमने खोया डाला है, खोए का टेस्ट देंगी ये सेवैयाँ। तो अब हमारी सेवैयाँ तैयार हो गई हैं, अब हमने सर्व कर दी हैं। तो फिर इसी तरह एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।